के उमैद खलीफा ने भारत पर हमले की योजना अंतर्राष्ट्रीय आधार पर 7वीं शताब्दी में बनाई थी। सन 636 में खलीफा उमर ने भारत पर पहला हमला करवाया था। गिरोह के जंगी नेता का नाम उमर ही था। उसके गिरोह ने बम्बई के समीप थाना पर हमला किया, मगर भारतीय सेना प्रबल थी, एक भी शत्रु वापस नहीं लौट सका। कुछ वर्षों बाद भारत की सुरक्षा को भेदता हुआ एक दूसरा अरबी गिरोह उत्तर की ओर बढ़ा। इसने देवालय पर हमला किया, इसे आज कराची कहते हैं। यहाँ सुरक्षा के देवता का विशाल गुंबद वाला एक मंदिर था, इसलिए इसे देवालय कहते हैं। इसके उच्च स्तंभ पर लहराता भगवा ध्वज मीलों दूरी से दिखाई देता था। लेकिन पहले दो अभियानों की तरह यह अभियान भी पूरी तरह विफल रहा। आक्रमणकारियों को मार दिया गया। इस समय तक खलीफा के गद्दी पर उस्मान आ चुका था। उसने अब्दुल्ला को इराक का शासक नियुक्त किया। आक्रमण का खतरा न उठा, उसने अब्दुल्ला को भारतीय सीमा पर जासूसी की टोली भेजने का आदेश दिया। पूर्व आक्रमणों में हाकिम भी था और इस टोली का नेता भी उसे ही बनाया गया। स्पष्ट है कि हाकिम को हिंदू पहरेदारों ने बंदी बना लिया। उसे कड़ी सजा दी गई, जो कि वापस लौटने पर वह पूर्ण रूप से लड़खड़ाया हुआ था। उसे बारंबार और तरह तरह से उलट पुलट कर प्रश्न पूछे गए, पर खलीफा के सामने वह बार बार यही बोला कि हिंदू बहुत बहादुर है, अगर थोड़ी सेना भेजी जाएगी तो वह मार दी जाएगी, अधिक भेजी जाएगी तो वह खुद भूखी होकर मर जाएगी। निराश और हताश होकर इस खलीफा ने हमले करने का विचार छोड़ दिया। अब अली खलीफा बना। उसे भारत की सुंदर नारियों का लुभावना रूप और धन वैभव, ये दो ऐसे प्रबल आकर्षण थे जिसे अरबवासी अधिक दिनों तक रोक न सके। अली ने सन 659 में अब्दी के साथ एक शक्तिशाली गिरोह धावा करने के लिए भेजा। इतिहासकार कहते हैं अब्दी विजय हुआ, लूट का धन पाया, लोगों को बंदी बनाया और एक दिन में 1000 हिंदुओं के सरों को काट कर बिखेर दिया। कुछ लोगों को छोड़कर वह अपने सारे साथी समेत ईरान की सीमा पर सिंध के निकट 662 में मारा गया। इसके बाद खलीफा मुआविया ने एक दूसरे अरबी गिरोह को भारत भेजा। इसमें मुअल्लब का गिरोह इतना बड़ा था कि उसे एक पंक्ति में खड़ा करने पर मीलों लंबी कतार बन जाती थी, मगर उसे भी भारतीय सेना ने उसके सहयोगियों समेत गाजर मूली की तरह काट दिया। भारतीय ललकार को स्वीकार करने की बारी अब अब्दुल्ला की थी। खलीफा और बगदाद के शासक ने इसको चुना था। हिंदू तलवार का स्वाद अब उसे चखना था। उसने बलूचिस्तान में लड़ाई मोल ली, फिर मृत्यु के डर से भागकर खलीफा की गोद में जा छिपा। पुचकार कर बहलाकर फुसलाकर उसे वापस भेजा गया, लेकिन अब्दुल्ला भारत की सीमा पर वापस लौटा और यही खत्म हो गया। अब सिनान सीना ताने आया। अल बिलादुरी फरमाते हैं, यह बहुत ही अच्छा भला व्यक्ति था। यह पहला आदमी था जिसने अपने सभी सैनिकों को अपनी पत्नियों से तलाक दिला दिया और उन्हें इस बात की गारंटी दी कि भारत की सीमा पर उनको मजे लूटने के लिए सैकड़ों की संख्या में हिंदू स्त्रियां प्राप्त होगी। मगर दुख है कि उसका एक कामुक स्वप्न चूर चूर हो गया। फिर जी याद आया, वीर जाटों से तलवार बजाता यह भी मारा गया। इधर सिनान भी अपने लूटे पेटे सम्मान को खोजने लौटा। भारत की सीमा पर वह लूटे दृष्टि डालता हुआ मंडराता रहा। धावा करने का साहस वह नहीं बटोर सका। अब इसकी मर्दांगी को धिकारता आग उगलता जियाद का बेटा अब्बाद आया। इसने अपना मार्ग बदल अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। उस समय अफगानिस्तान हिंदू साम्राज्य का एक अंग था। अलबिलादुरी कहते हैं, वहाँ के नागरिकों से लड़ा मगर बहुत मुसलमान मारे गए। वहाँ के लोग नुकीली पगड़ियाँ पहनते थे। अब्बाद को यह टोपी पसंद आई। मार खाकर जब वह लौटा तो अपने साथ इन टोपियों को भी बांध लिया। अब सीमा का हाकिम अबुल हसन बना। बलूचिस्तान पर उसने धावा बोल दिया, गांवों में आग लगा दी। उसने स्त्री और बच्चों का अपहरण कर लूट की संपत्ति के साथ भागने की कोशिश की, मगर भारतीय सेना के हाथों वह मारा गया। बगदादी गद्दी पर अब उबैदुल्ला असीन हुआ। लोगों को मुसलमान बनाने का भार अब उसने इब्न गरी अल बालिब को सौंपा। इसका अंत किसी को नहीं पता। इसे भी शायद शर्मनाक मौती मिली होगी, क्योंकि न तो किसी ने इसके गीत गाए और न किसी ने इसकी मौत पर रोया। इसके बाद बगदाद की गद्दी पर एक क्रूर और भयंकर व्यक्ति बैठा। इसका नाम था हज्जाज। भारत पर हमले के लिए इसने पहले सैयद और बाद में मूजा को भेजा। मूजा एक साल के भीतर ही मकरान में मारा गया। अब भारत के भाग्य में एक नया मोड़ आया। 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम, एक अरब हमलावर जिसने भारत पर हमला किया और 50,000 हिंदू स्त्रियों को कैद कर लिया। सिंध के 70 उपशासकों का पतन हो गया। मीनार और मंच बनाकर मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया। अतुल्य संपदा लूट ली। आग जिन्हें लूटपाट के अनाचार से सारा सिंध बंजर हो गया। लूटपाट की जो ठोस नींव मोहम्मद बिन कासिम ने डाली, वह नींव हजार वर्षों तक फलती फूलती रही। खैर, खलीफा और हज्जाज की कामुक लिप्सा के लिए लंका और भारत की नारियों को भेड़ बकरे की तरह बांधकर निर्यात किया जा रहा था। अरबी इतिहासकार बतलाते हैं कि सन 700 में लंका में एक जहाज चला देवालय यानी कराची के निकट। इस जलयान पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। अभागी युवतियों का यह पार्सल अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सका। खलीफा और हज्जाज बड़े निराश हो गए।
इस बहाने की आड़ में हज्जाज ने दाहिर के पास एक अपमानजनक पत्र भेजा। स्त्रियों के इस पार्सल का उत्तरदायी उसने सिंध के राजा को ठहराया। दाहिर का उत्तर था कि दूर समुद्र के हमले से उसका कोई संबंध नहीं था। इन बातों से पता होता है कि लंका और भारत की अभागी अबलाओं को खरीद कर चुपचाप बगदाद भेजा जा रहा था। मार्ग में जलपोत ने भारतीय बंदरगाह पर लंगर डाला। आदत से लाचार अरबी लुटेरों ने कुछ और हिंदू युवतियों को घेर घार कर उड़ाने का प्रयास किया। इस अपमान से सीमा रक्षक उत्तेजित हो उठे, अरबी गिरोह पर टूट पड़े। उन्हें मार मार कर इन बेबस युवतियों का उद्धार किया। दाहिर की राजधानी अलोर थी। यह सिंध का एक प्रसिद्ध शहर था। इसका विशाल राज्य सारे सिंध में छाया हुआ था। वह चार शासक में बटा हुआ था। पहले विभाग में निरुन, देवालयपुर यानी कराची, लोहाना, लखा और सम्मा थे। इसके शासक बर्मनाबाद में रहते थे। इसका पुराना नाम ब्रह्म और मुल्तान था। दाहिर एक न्यायी और शक्तिशाली हिंदू राजा के रूप में विख्यात थे। सिंध आज रेगिस्तान है, पर दाहिर के उदार परोपकारी शासन काल में यह अपनी सुंदर झीलों और नहरों के कारण विख्यात था। अब हजाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को अरब सेना का सरदार नियुक्त किया। तब कासिम की उम्र सिर्फ 17 वर्ष की थी। उसने पहले उबैदुल्ला फिर बुदैल को देवालयपुर पर धावा करने के लिए भेजा। दोनों ही वही समा गए और उनके सिर्फ वही दफन हो गए। ये दोनों ही अभियान समाप्त हो गए। ठीक इसी समय वालिद खलीफा बने। हजाज के कहने पर उसने कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। घुड़सवारों की विशाल सेना लेकर कासिम सिराज की ओर बढ़ा। कासिम की सेना मकरान होकर आगे बढ़ी। उस समय अफगानिस्तान भारत का ही भाग था। इसका संस्कृत नाम अयगस्तान था। पहला धावा कंजौर पर हुआ, फिर यह अरमेल पर टूट पड़े। इसमें भाग लेने एक दूसरा लुटेरा दल ताबड़तोड़ इनसे यहाँ मिला। इस दल का नेता भी एक मोहम्मदी था। यह हारून का बेटा था, मगर भारतीय सेना ने इसे मार काट कर धूल में मिला दिया। विजित भूभाग के हिंदुओं को भांति भांति की पीड़ाएं दी गई। उन्हें मुसलमान बनाया गया। अपनी टुकड़ी में उन्हें भर्ती किया गया। उनको यह धमकी दी गई, यदि उन्होंने दाहिर से लड़ाई नहीं की तो उनकी पत्नियों और उनके बेटों को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने खड़ी फसल जला दी, झीलों में विष घोल दिया, स्त्रियों से बलात्कार कर घरों को मटिया मेट कर दिया, गांवों में आग लगा दी, मंदिरों को मस्जिद बना दिया। रातों रात मंदिरों के ब्राह्मण, पुजारी, मुल्ला बन गए और कोड़ों की छाँव में उन्होंने कुरान पढ़ी। जहाँ वे पूजा किया करते थे अब वे नमाज पढ़ने लगे। और अब कासिम कराची की ओर बढ़ता चला गया।